गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया रहेंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए और आज है नवमी, तो चलते हैं। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है और हम लोग कौन कौन जा रहे हैं वो भी दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मेला के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 7, तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे पंडाल कैसे बना है और डेकोरेशन कैसा हुआ है और भीड़ है कि नहीं वो भी देखते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 7 और आप लोग देख सकते हो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है और इतना भी भीड़ नहीं है। तो अंदर चल के देखते हैं मूर्ति का डेकोरेशन कैसा है और अंदर भीड़ है कि नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर और देख सकते हो अंदर भी भीड़ नहीं है, उतना थोड़ा थोड़ा भीड़ है और मूर्ति भी बहुत ही अच्छा है। सेक्टर 7 से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 16, तो वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या क्या बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग गाड़ी स्टैंड पे रख लिए, गाड़ी अभी जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आगे वो पंडाल। तो चलते हैं देखते हैं कैसे क्या बना हुआ है अंदर। और इधर तो भीड़ तो है, जितना सेक्टर 7 में नहीं था उतना उससे ज़्यादा इसमें भीड़ है। तो इधर घूमते हैं देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे और अंदर भी चल के देखते हैं इसका मूर्ति का डेकोरेशन कैसा है। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर भी देख सकते हो भीड़ तो है ही और इधर चारों तरफ भगवान लोग का फोटो लगाया गया है और ये द्वारिका पुरी का पंडाल बनाया गया है जो बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग आ गए हैं अम्बागान, उधर से निकल के अम्बागान आ गए हैं। अम्बागान में भी भीड़ है गाइस, काफ़ी भीड़ है। और तो अभी हम लोग पंडाल के अंदर घुस रहे हैं भीड़ को चीरते हुए और अंदर देख सकते हो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। तो हम लोग अंदर जाके देखते हैं आखिर क्या क्या है वहाँ पे डेकोरेशन और देख सकते हो पीछे तरफ भीड़ तो है ही। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं गाइस कि जो पंडाल बना हुआ है ये एक टाइगर का बना हुआ है, पूरा पूरी टाइगर का पंडाल एक बना हुआ है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। और अंदर भी आप लोग देख सकते हो टाइगर का बना हुआ है तो अंदर भी कुछ जंगल जैसे चीता बाघ और हाथी सब हैं, देख सकते हो जिराफ सब हैं। ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है, अम्बागान का सबसे अच्छा लगा मुझे। और देख सकते हो ये आगे तरफ से पंडाल का नज़ारा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेलीफोन भवन जो कि अम्बागान के पास में ही है और ये हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत ही भीड़ है गाइस, इधर भी हम लोग भीड़ को चीरते हुए जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल के पास और हम लोग को भूख लगने के कारण हम लोग अभी खा रहे हैं चिल्ली और मंचूरियन फ्राई जो कि बहुत ही टेस्टी है। और अभी हम लोग देख सकते हैं हम लोग का पलटन जितना भी हम लोग आए हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। भैया को इतना गर्म लग रहा है कि पूरा बाल्टी भर पानी निकल जा रहा है इनका शरीर से। और इधर मुझे देख सकते हो मैं खा रही हूँ, मुझे भूख तो लगा था गाइस लेकिन लोग थे इसीलिए स्लो खाना पड़ रहा था। चिल्ली फ्राई खाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए जो कि अंकल के पास, तो देखते हैं इनका आइसक्रीम का टेस्ट कैसा रहता है। तो ये अभी निकाल रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद अभी हम लोग घुस गए हैं सेक्टर 16 का पंडाल के अंदर जो कि ग्लास के अंदर बल्ब लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा था डेकोरेशन। इधर का मूर्ति भी बहुत अच्छा था और इधर बहुत ही भीड़ था, बहुत ही भीड़, रास्ता मतलब चलने के लिए एक पाँव का जगह नहीं था, वैसे भीड़ था। देख सकते हो मैं कितना धीरे धीरे जा रही हूँ, मतलब आप लोग समझ जाओ कितना भीड़ है। और ये तो नवमी है आज,
तो नवमी है, तो देखते हैं दशहरा को भी कितना भीड़ रहता है वहाँ पे। तो हम लोग का कुचंबर बन जाएगा जैसा लग रहा है मेरा। और इधर एक मार्केट जैसा लगा हुआ था सेक्टर 16 में, यहाँ पे बहुत ही सारा सामान सब मिल रहा था। यहाँ पे सैंडल्स से लेके बैंगल्स और दुपट्टा, मेकअप सामान, ईयरिंग सब कुछ मिल रहा था, ऑल मिल रहा था, जितना भी मतलब रहता है सब कुछ मिल रहा था, कॉप सेट सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ईयरिंग देखने के लिए, लेकिन पसंद नहीं आया तो हम लोग उधर से चले गए। और मेरी दीदी देख रही थी लेकिन उसको भी पसंद नहीं आया, तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं क्योंकि हम लोग एक राउंड घूम के आ गए हैं। और ये रही मेरी दीदी लोग भी यहाँ पे आए थे तो हम लोग मिल लिए इनसे। और ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्बागान से निकल के सेक्टर 2। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 2 और यहाँ पे हम लोग गन्ना का जूस पी रहे हैं। तो गन्ने का जूस पी के अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। और इधर भी बहुत ही भीड़ है, इधर तो शायद कुचल जाऊंगी मैं जैसा लग रहा है, इसीलिए काशी भैया को पकड़ के चल रही हूँ मैं। और देख सकते हो इधर का पंडाल भी बहुत ही बड़ा है और अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने के लिए, जो कि वो उधर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग टिकट भी काटेंगे। तो पहले टिकट का प्राइस पता कर लेते हैं फिर जाके टिकट काटने के लिए जाएंगे। और तब तक आप लोग ये देखते रहो कि यहाँ पे कैसे झूला झूल रहा है और लोग कैसे चिल्ला रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि देखने से पता नहीं चलता है गाइस कि झूला में मज़ा आ रहा है या फिर खतरनाक है, वो देखने से पता नहीं चलता है, वहाँ पर बैठने से पता चलता है। तो हम लोग भी बैठने के लिए जा रहे हैं, पता करेंगे कि कैसा लग रहा है और आप लोगों को भी बताएंगे, तब तक आप ये देखते रहिए। हम लोग का गाँव का भी आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो सब। तो गाइस ये रहा हम लोग का 5 जन का टिकट। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं डर लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है। टिकट लेने के बाद अभी हम लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और देख सकते हो हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग का पारी आ चुका है। और ये ब्रिज थोड़ा हिल रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे खड़े हुए थे इसीलिए। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और कहाँ पे बैठेंगे वो तो हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, क्योंकि अगर साइड में पूरा ऊपर में बैठेंगे तो हम लोग तो खलास हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग बीच में बैठेंगे सोच रहे हैं। तो मैं पहले घुस गई अंदर, फिर मेरे भैया लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा पीछे आओ पीछे, वैसे ऐसे बोल रहे थे, फिर मैं गई पीछे। तो गाइज अभी हम लोग बैठ चुके हैं हमारे हवाई जहाज पे, अभी उड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये जो हमारे आगे जो एक दीदी बैठी है उसको देख के मेरे भैया लोग बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा उसके पास बैठने के लिए। और ऐसे ही हम लोग का मजाक चल रहा था और अभी स्टार्ट होने वाला है गाइज। तो देखते हैं हम लोग का हालत ख़राब होता है कि नहीं। और इधर गेट बंद कर दे रहे हैं और ये स्टार्ट हो गया है गाइज, स्टार्ट देख सकते हो स्टार्ट भी हो गया है। और हमारे आगे एक दीदी बैठी है, आप लोग देख सकते हो उसका तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है गाइज, उसको डर लग रहा है या भी नहीं। हम लोग इतना अपना मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं और उसको डर ही नहीं लग रहा है। और एक अकेले बैठी है एक सीट पर और हम लोग 5 जन बैठे हैं, फिर भी हम लोग को डर लग रहा है। वो लड़की मतलब क्या है भाई, उसको डर ही क्यों नहीं लग रहा है, हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं उसको डर ही नहीं लग रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। ये एक लड़की जो बैठी है देख सकते हो इसको अच्छे से देखिए, मुझे भी देखिए गाइस, मैं तो फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रही हूँ, वो इतना भी डर लग रहा है। और एक हाथ में मेरी गुई को पकड़ी हूँ और एक हाथ फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इसीलिए मेरे वीडियोज़ को देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ड्रैगन में बैठने के लिए अनुष्का के लिए। ऐसे तो मैं बैठ चुकी हूँ लेकिन इतना डर तो नहीं लगता है, फिर भी आज थोड़ा सा डर लगा क्योंकि झटका देके ऐसे ले जाता है। और इधर देख सकते हो थोड़ा डरी थी मैं और अनुष्का ज़्यादा डर रही थी क्योंकि बच्ची है ना। और इधर हम लोग का ड्रैगन राइड ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर,
मेला से निकल के अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक स्टैंड पे। तो चलिए चलते हैं घर और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है, करीबन 11:30 बज चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।